श्रीमद प्रभुपाद एवं उपस्थित भक्तों के प्रसन्नता के लिए कल का प्रचार प्रणाम पदयात्री भक्तों के द्वारा इस प्रकार से है। देवकिनारायण गोपाल प्रभु के द्वारा 100 स्मॉल बुक, 33 मीडियम बुक्स, 133 टोटल। प्रताप रुद्र देव प्रभु के द्वारा 60 स्मॉल बुक्स, 4 भगवद गीता और 1 कृष्ण बुक, टोटल 65 बुक्स। सुकृति बलराम प्रभु के द्वारा 101 स्मॉल बुक, 44 मीडियम बुक, टोटल 145 बुक्स। बी एस मेहता प्रभु के द्वारा 98 स्मॉल बुक्स, 1 भगवद गीता, टोटल 99 बुक्स। गौर नितायरथ राजप्राण श्याम प्रभु और हिमांशु प्रभु के द्वारा 50 स्मॉल बुक्स, 24 मीडियम बुक, टोटल 74 बुक्स। अधोक्ष माधव प्रभु के द्वारा 101 स्मॉल बुक्स, 30 मीडियम बुक, टोटल 131 बुक्स। कुल मिला के टोटल पुस्तक वितरण स्कोर आपके प्रसन्नता के लिए 647 ट्रांसेंडेंटल बुक्स। लक्ष्मी कलेक्शन रहा 8,670 रुपीज। ट्रांसलेटर बुक डिस्ट्रीब्यूशन की श्री श्री गौरताय भगवान की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण मंगलारती में आए सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हरि बोल। तो आज हम लोग सोफा के नेट से हम प्रस्थान करेंगे खैर के लिए। और खैर बहुत ही बड़ा गांव है, बहुत बड़ा मार्केट है वहाँ पे। वहीं पर हम लोग एक मैरिज होम में रुकेंगे, जो कल चेतन प्रभु आए थे, चेतन प्रभु के मैरिज होम में रुकेंगे वहाँ पे। तो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 10 किलोमीटर है खैर जो है, यहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर है। और 5 किलोमीटर जब यहाँ से चलेंगे, 5 किलोमीटर में एक स्कूल है, हमारे भक्त का स्कूल है, इस कौन से जुड़े हैं, वहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करेंगे। और फिर ब्रेकफास्ट आराम से करने के बाद फिर आधा जो है वहाँ से प्रस्थान करेंगे। यहाँ पे मार्केट में बहुत बड़ा रोड पे जो बहुत बड़ा मार्केट लगा है, ट्रैफिक है, इसलिए हमें देखते हुए चलना पड़ेगा। और उसके बाद फिर शाम को जो है आज भव्य रूप से हरिनाम होगा। हरि बोल। आज जयंती है, अग्रसेन जयंती है, तो होने के कारण वहाँ पे बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। मतलब वहाँ के जैसे हमने जेवर में किए थे वैसे ही, तो हमारा रथ सबसे आगे रहेगा, पूरे गांव के लोग देखने के लिए आएंगे। और खैर वास्तव में बहुत बड़ा है, अभी तक जितना हमने रोका है उसमें सबसे बड़ा गाँव ही बोलेंगे ना, खैर का जो गाँव सबसे बड़ा है, कस्बा है, सबसे बड़ा है तो खैरी है, बहुत बड़ा मार्केट है। और आज जो है हमारे चक्रवाणी चेतन प्रभु के गांव से भी ट्रैक्टर भर के भक्त आ रहे हैं। अरे वाह, काफी लोग आएंगे। इनका जो उदयपुर है खैर से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर में है, हो सकता है भविष्य में हम उधर भी पहुंच जाए पदयात्रा करते हुए, लेकिन अभी तक तो पास तक पहुंच गए हैं। तो इनके गाँव से आएंगे और आज शाम को जो है सभी भक्तों के लिए प्रसाद बनेगा। हरि बोल। तो 3 ट्रैक्टर आए उनके लिए, हमारे भक्तों के लिए, सभी के लिए प्रसाद बनेगा भव्य रूप से। और वहाँ के उदयपुर के भक्त भी कुछ कर रहे हैं, हालांकि छोटा सा गांव है, फिर भी वो लोग कुछ भक्तों के लिए करेंगे, व्यवस्था करेंगे, वहाँ से लेके आएंगे दही दूध छाछ इत्यादि। और आप सभी की जानकारी के लिए पहले हम लोग खैर में प्रचार के लिए आते हैं, हम लोग हर साल आते हैं यहाँ पे।